आप भी आए। अरे भाई जब आ ही गए तो चलो साथ में देखते आगरा खान पैलेस, आगरा खान पैलेस घूमते और इसको एक्सप्लोर करते। लेकिन एक बात, घूमने से पहले एक बात बता दो, ये सिर्फ पैलेस नहीं, ये एक टाइम पे जेल थी गांधी जी की। यकीन नहीं आ रहा, सच में इसकी हिस्ट्री आपको बता दो। खान पैलेस की बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि गांधी जी ने अपने दो सबसे प्रिय लोगों को यानी कि कस्तूरबा बेन जो उनकी वाइफ थी और महादेव जी देसाई, इन दोनों को उन्होंने यहीं पे खोया है। मीन्स उन दोनों का जो देहांत था वो आगा खान पैलेस में हुआ था जब वो यहाँ पे नज़रबंद थे। क्योंकि जब आप आगा खान पैलेस घूमने आते हो तो आपको वक्त का पता नहीं चलता। यहाँ पे जो शांति है ना वो आपको एक मेंटल पीस देती है, जो साइलेंस यहाँ पे है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो मैं अभी शांति रखता हूँ। आप इसको देखो कैमरे के नज़रिए से देखो कि भाई कितना है, और अगर नहीं आए हो तो भाई यहाँ पे आना तो बनता है, आना ज़रूर। फाइनली गाइस हमारा घूमना हो गया पूरा, आगा खान पैलेस हमने अच्छे से घूम लिया, अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, हिस्ट्री की जो बातें थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब बारी आती है खाना खाने की। यार हर बार ये मत पूछा करो खाना खाना है क्यों, क्या यार ज़रूरी होता है, देखो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये कहावत सुनी होगी ना आपने। यस, तो अभी बात आती है खाना खाने की। तो खाना खाने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगी एक कैंटीन जो यहीं की है ऑथोराइज, वहाँ पर खाना खा सकते हो। खाना थोड़ा एवरेज मिलेगा लेकिन ठीक है, वहाँ खा सकते हो, क्योंकि अगर आपको यहाँ खाना खाना है, भूख लगी है, तो यहाँ पे दूसरा कोई अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा फिर ही आपको कुछ खाने को मिलेगा। अब डिपेंड्स करता है अब जा पाओगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। सो चलो मैं आपको कैंटीन लेके चलता हूँ, उसकी भी एक झलक दिखाता हूँ, फिर हम चलते हैं अपने घर। फाइनली मेरी चाय तो आ गई, पी के देखते हैं कैसा टेस्ट। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ना कमेंट करके जरूर बताना, ऐसे आप बताते नहीं हो आजकल, बताया करो कमेंट वीडियो कैसा लगा। ठीक ठीक सी चाय है, याद नहीं है तो मीठी बहुत बना दी है और बासी चाय को गर्म करके दिया है सबको लगा। तो ये थी सारी कहानी आगा खान पैलेस की, उसकी हिस्ट्री, उसकी सुंदरता जो मैंने आपको दिखाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर करना ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो पुणे घूमने आने का प्लान बना रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि कहाँ कहाँ जाना है। तो भाई इंडिया सर को फॉलो करो, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि पुणे में आप कहाँ घूम सकते हो, कहाँ खाना खा सकते हो, कहाँ स्टे कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। सो ये वीडियो शेयर करना अपने ट्रैवलर फ्रेंड के साथ। सो गाइस दिस इज़ सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सवाल ये है कि भाई आगा खान पैलेस आना कैसे और आगा खान पैलेस से जाना कैसे। सिंपल है, अगर सिटी बस से आ रहे हो
आगा खान पैलेस के लिए शास्त्री नगर बस स्टैंड सबसे नज़दीक है, जो सामने है। शास्त्री नगर बस स्टैंड पर उतर जाना, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है कुछ 100 या 200 मीटर्स, वहाँ से आप सीधा सीधा आगा खान पैलेस आ सकते हो। तो फर्स्ट मेटर, अगर आप मेट्रो से भी आओगे तो रूबी हॉल मेट्रो लास्ट रहेगा, रूबी हॉल मेट्रो से आपको फिर से सिटी बस पकड़ के आना पड़ेगा, और अगर आप शेयरिंग ऑटो या फिर इससे आ रहे हो तो आपको डायरेक्ट आगा खान पैलेस के लिए मिल जाएगा, जो 20 रुपीज़ पर सीट लेते हैं। लेकिन अदर वाले, ये जो रेगुलर ऑटो चलते हैं, ये आपसे 10 रुपये सीट नहीं लेंगे, ये आपसे मीटर वाला चार्ज करेंगे। ओके,